हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप लोग को आज क्या बताने की, बाहर बैठे हुए फूल मच्छर काट रहे हैं और अंदर कूलर चल रहा है, आवाज़ आती नहीं साफ, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान भी हैं, दुखी हैं, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि हम क्यों दुखी हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो में ही देख के पता चल जाता होगा कि हम क्यों दुखी रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी मतलब इतना दुखी हैं, और हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर लेते लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान को सीखना ज़रूरी है। सीखे कुछ। और मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, जो अपने का नहीं हुआ वो किसी और का होगा? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, तब देखना भी साथ में शेयर भी करना। और मैं आप लोग से यही बात बताना चाहूँगी, मेरे जितने जनता जनार्दन है और यूट्यूब वाले भैया हैं और जितने सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं यूट्यूब, जो मतलब इतना इतना गंदा गंदा इतना घटिया वीडियो बनाते हैं, उनको एक रात एक घंटे एक पल में आप लोग वायरल कर देते हैं, मिलियन मिलियन तक वीडियो आप लोग पहुंचा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी मेहनत करते हैं, कला कैसे भी करते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जो दुखी है, जो गरीब है, उसका साथ दें तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अपने आप पर फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे कुछ गर्व है कि मैं जी लूँगी, मेरी पब्लिक मुझे जिया रही है। यही पब्लिक चाहे तो कहो मार खिला दे, कहो तो इज्जत बचा ले। तो आज मेरे पब्लिक और मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग बताइएगा। मेरे दो बच्चे हैं, आपको पता ही होगा, एक बच्चा मेरे पास है, एक बच्चा ननिहाल में रहता है। क्योंकि हम ज़्यादा बनाते तो हैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो वगैरह, क्योंकि हम बनाते नहीं हैं, और बट मुझे समय नहीं मिलता, फिर मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। मेरा लड़का है, आप लोग सुनते ही हैं, देखते ही हैं, वही थोड़ा मेरा सपोर्ट करता है। तो आप लोग ये बताइए कि मेरे हस्बैंड, उनके बारे में बताएंगे, वो दूसरी बीवी ले आए हैं, ठीक है? और जानते हैं, दो तीन लड़का की माँ है, वो बुढ़िया है, काले का लोटी है। मेरे भी दो बच्चे हैं, मेरे लड़के हैं, और ले आए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ले आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि हम बच्चे से बताएंगे कौन कि तुम लोग का बाप कौन है। कोई बात नहीं, जिनके बाप बचपन में मर जाते हैं उनके बच्चे नहीं जीते हैं, उनके बच्चे नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल उनको पछतावा होगा। जो मेरा नहीं हुआ वो उनका क्या होगा, जो अपने हस्बैंड का नहीं हुआ वो उनका क्या होगा? मैं चाहती तो मैं भी शादी कर सकती दो बच्चे लेके। आप लोग बता सकते हैं मेरी उम्र देख के, मेरा चेहरा देख के कि हम बुढ़िया हो गए हैं, कि अच्छे नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कमा के खा नहीं पाती हूँ, तो ये सब चीज़ों से आज नहीं कल पछताएंगे, रोएंगे। खुश हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा तो ससुराल है, सब कुछ है, आएंगे जाएंगे सब कुछ करेंगे। वो अब अपने आप को झंके, मेरे दो बच्चे अच्छे चाहे बुरा मेरे सपोर्ट करेंगे मुझे और मेरा साथ देंगे, मेरे मुसीबत पे खड़े होंगे, क्योंकि हमने उनको बहुत कष्ट पाला है, बहुत कष्ट उठा के पाला है। 5 साल का मेरा लड़का हो गया, 5 साल से ऐसे मारते कर जाते, मेरा छोटा वाला लड़का हो गया, झगड़ा लड़ाई करते दो बच्चे हो गए, तो मैं दोनों बच्चों को 4 साल से 5 साल से पाल रही हूँ। आना जाना भी स्कूल में, मार पीट झगड़ा करना, मैं तंग हो गई, मैं कहा
दूरी बना लो सही है, लेकिन फिर भी दूर नहीं रहते थे तो साथ ही में रह रहे थे। तो दोस्तों आप लोग, यहीं तक वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करिए।